और ये डोगरा चौक की तस्वीरें जो है ये आप लोग देख सकते हैं, जहाँ कोई भी विजिबल ऑफेंस करने वाले के, देखिए ट्रैफिक पुलिस इन्हें समझा रहे हैं कि आपके पीछे वाले जो व्यक्ति है उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि उनसे जो है वो बहस की जा रही है। और ये तस्वीरें जो हैं ये सामने की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं व्यक्ति, लेकिन वो स्कूटी जो है वो अपनी साइड पे नहीं लगा रहे, यानी अपनी टू व्हीलर को वो साइड पे नहीं लगा रहे। और जो आज सुबह सवेरे की तस्वीर है, और आज 16 अगस्त है यानी कल स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन उसके बाद जो है आज भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको एक्शन में दिख रही है। और ये बिल्कुल डोगरा चौक की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सुबह सवेरे जो है ट्रैफिक पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। और ये डोगरा चौक की तस्वीरें जो है ये आप लोग देख सकते हैं, जहाँ कोई भी विजिबल ऑफेंस करने वाले के, देखिए ट्रैफिक पुलिस इन्हें समझा रहे हैं कि आपके पीछे वाले जो व्यक्ति है उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि उनसे जो है वो बहस की जा रही है। और ये तस्वीरें जो हैं ये सामने की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं व्यक्ति, लेकिन वो स्कूटी जो है वो अपनी साइड पे नहीं लगा रहे, यानी अपनी टू व्हीलर को वो साइड पे नहीं लगा रहे। और जो आप देखिए कि बहुत समझाने के बाद जो है ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर कामयाब हुई है। और ये डोगरा चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि देखिए जिस तरह से व्यक्तियों ने जो है यहाँ पर ऑफेंस करते हुए आपको दिखाई देंगे, तो उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये देखिए कि कल 15 अगस्त था, कल लोग बहुत सतर्क थे, इससे पहले लोग भी बहुत सतर्क थे कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त है और चेकिंग जो है यहाँ पर होगी, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से आपको तस्वीरें बता दें कि लोग जो है वहाँ यहाँ पर कुछ कुछ लोगों की मैं बात करूंगी, हर किसी की मैं बात नहीं करूंगी, कुछ कुछ लोगों की मैं बात करूंगी, हर किसी की मैं बात नहीं करूंगी, यहाँ पर जो है वो बिना हेलमेट के आपको जो है वो मिल रहे हैं। और वो सामने वाले व्यक्तियों की व्यक्ति की नंबर प्लेट का फोटो जो है वो खींच लिया गया है यहाँ पर। किस तरह से आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस के सामने हाथ जोड़े जा रहे थे जब उन्हें रोका कि आप जो है यहाँ से जाने दे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्रवाई तो करेगी। और अगर लोग आज बाहर निकल रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कल 15 अगस्त यानी कल आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन जो है वो मनाया जा चुका है, आज हमें कोई नहीं रोकने वाला, तो ये गलत फहमी जो है वो अपनी आप जनाब दूर कर ले, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको ही रोकेगा। देखिए वहां पर भी जो एक व्यक्ति है उन्हें जो है वो रोका गया है, और किस किस तरह से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो कर रही है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये डोगरा चौक की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। और ये तस्वीरें देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पुलिस जो है वो कितनी सतर्क है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वो कितनी सतर्क है यहाँ पर और किस तरह से जो है यहाँ पर अपना कार्य जो है वो कर रही है। और लोगों को जो है वो उन्हीं के लिए समझाया जा रहा है। अंकुर भट्ट है वो लिख रहे हैं, गुड जॉब अंकुर, अगर आप जैसे सब अपना अपना कर्तव्य समझे और उन्हें लगे कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्य कर रही है तो सब व्यक्तियों को जो है वो ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप वीडियो में देख ही रहे हैं कई व्यक्ति जो है वो ट्रैफिक पुलिस का सहयोग जो है वो नहीं कर रहे। एक सभ्य नागरिक होने के नाते जब ट्रैफिक पुलिस आपको किसी भी विजिबल ऑफेंस के लिए रोके तो आपको जो है वो रुक जाना है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना कार्य कर रही है और एक सभ्य नागरिक होने के नाते आप अपना कार्य जो है वो करें। तो बिल्कुल तस्वीरें देखिए, अभी भी वो जो व्यक्ति थे वहां पर वो लगातार पुलिस से बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें यही समझाए जी अंकुर भट्ट, तो फिर आपके लिए भी जो है वो सलाम है कि आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा हैं। और आप खुद भी देख सकते हैं कि कभी कभी जिस तरह से बात करते हैं कि लोग जो है यहाँ पर कॉपरेट नहीं करते, तो चलानिंग जो है वो भी बिल्कुल की जा रही है। तो ये तस्वीरें जो है ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आज चलानिंग की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बिल्कुल चालान बनता है, काफी बार ट्रैफिक पुलिस जो है वो अवेयरनेस कैंप भी चलाती है, एक मुहिम जो है बार बार चलाती है, लाउड स्पीकर्स में जो है वो अनाउंसमेंट होती है कि आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। और अगर आपको बता दें कि जिस तरह से बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अगर आप बाकी राज्यों की तस्वीरें भी देखें तो वहां पर भी जो सतर्क नजर आती है, वहां पर भी लोगों की सेफ्टी के लिए जो है वो कार्य करती हुई नजर आती है। और जिस तरह से ये आपको तस्वीरें बिल्कुल डोगरा चौक की दिखा रहे हैं, ये डोगरा चौक का वही एरिया है जहां पर जो है इसके पास जो है एक पीर बाबा और एक मंदिर जो है वो आपको नजर आएंगे, बिल्कुल उसी रोड से जो है हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तस्वीरें जो हैं वो हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं और उनसे बात भी होगी। ट्रैफिक पुलिस से एक बात कहूंगी, डरना नहीं चाहिए। एटलीस्ट पुलिस जो है वो सिर्फ अगर आप कोई भी रूल को ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे तो आपको जो है वो कार्रवाई जो है वो बनती है। और फिर भी अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, सारे रूल्स एंड लॉज को ऑब्हे करते हुए बाहर की तरफ आएंगे तो इस तरह से जो है वो आपके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे होने चाहिए, आपके पास लाइसेंस जो है अनिवार्य होना चाहिए 18+ के पास। तो उसी के चलते यहाँ की तस्वीरें जो है ये डोगरा चौक की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है आज 16 अगस्त का दिन है और आज जो है ट्रैफिक पुलिस पूरे जोश जज्बे के साथ जैसे हमें रोडों पर दिखती है वैसे ही जो है हमें आज भी जो है वो दिख रही है। और आप उनका सहयोग करें क्योंकि ये अपना काम कर रहे हैं, इनका इनकी ये ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी निभाएं। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर ऑफिसर हैं, इनसे बात करते हैं। सर आज के दिन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज 16 अगस्त है और शायद लोग जो है वो ज्यादा विदाउट हेलमेट जो है वो बाहर दिख रहे हैं, क्यों? लोगों ने सोचा था कि आज जो है वो सख्ती नहीं होने वाली? मोस्टली देखने में लग रहा है आज हमने जो देखा है विजिबल ऑफेंसेस, ज्यादा लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, बट हम इसको प्रॉपरली चेक कर रहे हैं और विदाउट सीट बेल्ट और जो विजिबल ऑफेंसेस जैसे रोके जा रहे हैं ज्यादातर विदाउट हेलमेट है तो उनको प्रॉपर चलान किया जा रहा है, जो रेलिवेंट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनको चलान दिया जा रहा है। सर लेकिन जहां तक हमने देखा है ट्रैफिक पुलिस काफी ज्यादा अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता फैला रही है और अगर हम देखें कि ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही आपको विदाउट हेलमेट मिलेंगे, लेकिन जो लोग आज मिल रहे हैं उन पर आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? मैम लोगों का बहुत सहयोग मिला है, 90% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक मोटर व्हीकल रूल को, बट कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो अभी भी हेलमेट नहीं पहन रहे, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशल नाका सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस पे लगाए जाते हैं और आप देखेंगे लड़के मोस्टली विजिबल ऑफेंस जो हेलमेट हैं उन्हीं को, सीट बेल्ट वालों को रोक लें और जहां होता है अवेयर भी किया जाता है मोस्टली उनको चलान किया जाता है। सर एक पब्लिक के लिए मैसेज चाहिए, आप क्या मैसेज देंगे पब्लिक के लिए? यही मैसेज मैम, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं चाहूंगा कि अपने जो गार्डियन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को घर पर ही बताएं इसकी अहमियत, हेलमेट की अहमियत, सीट बेल्ट की अहमियत, तो उससे काफी हमें भी सहयोग मिलेगा और हमारा काम कम होगा। सर एक सवाल जो है अभी अभी आया है, जिस तरह से अगर आपको कोई भी बाइक राइडर मिल जाता है जो रैश ड्राइव करता है उसे उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है अभी की जा रही है? मैम रैश ड्राइविंग के तहत उसको डिटेन किया जाता है, उसको चलान दिया जाता है रेलिवेंट जो सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, उसको इवन की सीनियर ऑफिसर की नॉलेज में लाया जाता ताकि कंसर्न आरटीओ एआरटीओ को लिखा जाए इसके लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए। बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हायर लेवल पे की जाती हैं। धन्यवाद। तो देखिए इस तरह से जो है चालानिंग यहाँ पर हो रही है और आपको बता दें कि ये जो नाका है ये बिल्कुल डोगरा चौक में है। लोगों को लगा था कि शायद आज ट्रैफिक पुलिस जो है वो सतर्क नहीं होगी, लेकिन लोग ये भूल जाएं जो ग्राउंड पर काम करने वाले हैं चाहे कोई भी दिन हो चाहे कोई भी तारीख हो वो जो है जरूर जोश में है। और ट्रैफिक पुलिस की एक मुहिम रहती है कि कोई भी आपको विदाउट हेलमेट ना दिखे और जो भी विजिबल ऑफेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर कार्रवाई जो है वो जरूर हो रही है। और किस तरह से आपको लग रही है ट्रैफिक पुलिस की ये मुहिम तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।